प्रिय विद्यार्थियों, यह देवदारू पर हमारी अंतिम वीडियो है और देवदारू का शेष बचा हुआ भाग इस प्रकार है। देखिए, मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज़ नहीं है। मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कभी होता तो कर लेता, उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के चित्त को अपने चित्त के ताल पर नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ लेता, ध्वनियों की नियत संचारी क्षमता का ऐसा समा बांधता कि सुनने वाले का मन मयूर की भांति नाच उठता, पर मेरे भाग में यह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अर्थात वो कहते हैं कि सहृदय के चित्त को अपने चित्त के साथ ताल पर नृत्य कराने योग्य छंद ढूंढ लेता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। केवल आँख फाड़ कर देखता हूँ, पाषाण की कठोर छाती भेद कर, केवल आँख फाड़ कर देखता हूँ, पाषाण की कठोर छाती भेद कर, यह देव दारू न जाने किस पाताल से अपना रस खींच रहा है। फिर देवदारू को संकेत करते हुए कहते हैं कि यह देवदारू पाताल से अपना रस अर्थात पानी लेकर जीवित है और क्रम ह्रस्व छाया का वितान तानता हुआ ऊर्ध लोक की ओर अपनी अज्ञात निर्देश के तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। अर्थात पाताल से रस खींचकर जीवित है और यह इतना ऊंचा उठा हुआ है कि ऐसा लगता है कि यह पाताल को ही स्पर्श करने वाला है और किसी अज्ञात निर्देशक के तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है और ऐसा लगता है कि ऐसा निर्देशक जो दिखाई नहीं देता है उसकी भांति यह भी कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा है। यह इतनी उंगली क्या यूं ही उठी हुई है? उन्होंने कहा यह इतनी उंगली क्या यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। यहाँ कवि कविता के विशिष्ट अर्थ और सहृदय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने अंतर कवि की जो विशिष्टता है उसकी ओर तर्क संगत दृष्टि से संकेत किया है। उन्होंने बतलाया है कि किसी वस्तु का वही अर्थ व्यक्त नहीं होता जो हमें ऊपर से दिखलाई देता है, उसमें उसका विशिष्ट अर्थ भी छिपा रहता है जिसकी हमें पकड़ नहीं होती। लो कहा ना, उंगली पकड़कर कुछ खास बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। ठीक है, यह कि देवदारू पाताल से रस खींचकर अपनी शिखाओं को ऊपर किए हुए हैं, जिस प्रकार से कोई निर्देशक अपनी उंगली के संकेत से कुछ दिखाना चाहता है, उसी प्रकार लेखक भी मानता है कि देवदारू भी शिखा के रूप में उंगलियों के निर्देशक की भांति ऊपर उठा हुआ है, उसकी शिखाएं ऊपर उठी हुई है। देव द्वारा संकेतित बात मेरे लिए रहस्य में बनी हुई है, मेरी समझ से परे है। मेरे क्या बना हुआ है? यह पूरी तरह रहस्य में बना हुआ है, यह मेरे लिए मेरी समझ से परे है। मैं उसे समझ में नहीं पा रहा हूँ, अर्थात मेरी वो पहुँच और समझ से परे है। भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ पर बता सकूँ ऐसी भाषा कहाँ है? क्योंकि मैं भीतर ही भीतर उसको अनुभव तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उसे अभिव्यक्त करूँ ऐसी मेरे पास में अभिव्यक्ति नहीं है, भाषा नहीं है, ऐसा वो संकेत देते हैं। हाय, मैं असमर्थ हूँ। मूकू मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता है कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक वक्ता ले जाता है। अर्थात वो ये कहते हैं कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक वक्ता उसे ले जाता है, वक्ता उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में विश्लेषण करता है। इसलिए भाषा का कोई उपयुक्त अर्थ नहीं होता, जो जैसा चाहे उसका वैसे ही वह रूप धारण कर लेती है और चाहे वो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो। इसलिए वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। इसलिए उन्होंने वक्ता की इच्छा को किसका नाम दिया? विवक्षा कहा है, क्योंकि वह वक्ता के
आश्रित है और वक्ता की अर्थ व्यक्ति की इच्छा ही, अर्थात वक्ता किस अर्थ को व्यक्त करना चाहता है, इसको उन्होंने विवक्षा कहा है। और उन मीमांसकों का मानना है, उनका यत् पर है शब्द से शब्दार्थ है, तो उनका यही मतलब था। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए कि शब्द से परे तो शब्द का अर्थ ही है, ऐसा जैमिनि मुनि का आशय था। शब्द से घिन यत् परे शब्द से शब्दार्थ है, अर्थात शब्द से परे तो शब्द द्वारा व्यक्त अर्थ ही है। शब्द से परे क्या है? शब्द के द्वारा जो अर्थ व्यक्त किया गया है वही शब्द से परे हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। मुझे यह बात सही प्रतीत नहीं होती। वे कहते हैं कि मुनि का कहने का यह आशय नहीं रहा होगा, उनका आशय कुछ और ही रहा होगा। यह आशय तो मानसक के द्वारा इसकी व्याख्या कर दी गई होगी। कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे भी तो नहीं। शब्द उतना ही बता पाता हूँ जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है। वह दुनिया में कवि की जो कदर है वह इसलिए है कि वे जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। प्रेषण धर्मिता, अर्थात जैसा अनुभूत करते हैं वैसा श्रोताओं को भी वो समझा दे, इसको ही प्रेषण धर्मिता कहते हैं। मैं नहीं पहुंच पाता हूं उस अर्थ को जिसे मेरा मन अनुभव कर रहा है, अर्थात मैं उस अर्थ तक नहीं पहुँच पाता जिस अर्थ को मेरा मन अनुभव कर रहा है, क्योंकि मैं शब्दों और छंदों का ऐसा अस्त्र नहीं पाता हूँ जो मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है। वह सामाजिक सुकृति चाहता है, उसमें लय नहीं, संगीत नहीं, नाद नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है। शब्दों के गतिशील आवाज से वह हिलता है, भर भराता है, नए नए परिवेश में सजता है और तब कहीं नया अर्थ पैदा करता है। अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सारे नया अर्थ देता है। यदि अर्थ में लय नहीं होता है बल्कि क्या करता है, वह लय के सारे नया अर्थ देता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि उपयुक्त शब्द, छंद, ध्वनि आदि को प्रस्तुत करना सरल नहीं है, इसलिए कवि जो कहना चाहते हैं उसे उसी रूप में व्यक्त करने में कठिनाई होती है और वह उस अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाते। अर्थ कहने वाले की इच्छा के अधीन होता है। वह जो अर्थ व्यक्त करना चाहता है ठीक वही अर्थ वह व्यक्त नहीं कर पाता है। अर्थ, लय, संगीत, नाद, गति सबसे पृथक चीज है, इनसे स्वतंत्र है। ऐसा मानने का आधार यह हो सकता है कि उसका अलग मंतव्य हो। जो भरभराता है, नए परिवेश में सजता है और कहाँ नया अर्थ पैदा करता है। नए नए शब्द अर्थ को नया नया रूप देते हैं। स्वयं अर्थ में लय नहीं है, हाँ लय का सहारा पाकर एक नया अर्थ रूप धारण कर लेता है। लेकिन देवदारु है शानदार वृक्ष, हवा के झोंके से जब हिलता है तो उसका अविभजात झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की, जहाँ से भागीरथ के निर्जरी झरने बहते हैं, शीतल मंद सुगंध भवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्जन शिखरों को देन कहा, सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया। लेकिन मंदी के लिए मुंह ही कंप्लित देवदारु को उत्तरदायी ठहराया। देवदारु के बार बार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युगो युगांतर को संचित अनुभूति नहीं मानो, यह मस्ती प्रदान की है।
अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है। कितने ही मैदान में जा बसे हैं, खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया, उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी, अर्थात जैसी प्राचीन काल से चली आ रही है उसी चाल में वह ढला हुआ है। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता है कि मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे में मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छुपा सकते हो, अर्थात मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हजार वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। आज से नहीं, मैं हजारों वर्षों से इसी ही अवस्था में खड़ा हुआ हूँ और ऐसा दुर्लभ साथी मिलना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें जो तैयार करना है वह है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के देवदारू निबंध में व्यक्त उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने अपने देवदारू निबंध में किन विचारों को स्पष्ट किया है। और एक है देवदारू निबंध में जो उनकी काव्य संबंधी धारणाएँ कि वो छंद, कवि, शब्द, अर्थ आदि के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। और देवदारू निबंध की भाषा शैली पर भी अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तीन क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं। और छोटे क्वेश्चन तो इसमें जिस प्रकार से मैंने पढ़ा है कि देवदारू किस प्रकार का निबंध है, तो ये तो मैंने शुरू में बता दिया था कि एक क्या है, ललित निबंध है। सहृदय किसे कहा जाता है, विवक्षा को किसे कहते हैं, और लेखक के अनुसार शिव जी ने समाधि के लिए कौन सा स्थान चुना, मिथक के बारे में उनकी क्या मान्यता है, तांडव नृत्य महिमा किस कारण से है, तांडव नृत्य का प्रवर्तन किसने किया, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें इसमें तैयार करने हैं। इस तरीके से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें तुम तैयार कर लेना। धन्यवाद।